चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है राजधानी भोपाल से। नर्सिंग स्टूडेंट्स का प्रदर्शन है आज, तो राजधानी भोपाल में नर्सिंग स्टूडेंट्स प्रदर्शन करेंगे पॉलिटेक्निक चौराहे पर। जमा होंगे स्टूडेंट्स सीएम हाउस के पास पॉलिटेक्निक चौराहे पर। स्टूडेंट्स जमा होंगे, प्रदर्शन करेंगे, नर्सिंग छात्र संगठन नर्सिंग काउंसिल के साथ प्रदर्शन करेंगे। कई मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं स्टूडेंट्स, सीएम हाउस के पास पॉलिटेक्निक चौराहे पर प्रदर्शन किया जाएगा। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स का प्रदर्शन है आज राजधानी भोपाल में। प्रदर्शन करेंगे सीएम हाउस के पास पॉलिटेक्निक चौराहे पर जमा होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं संवाददाता दुष्यंत जी का, लगातार बने हुए हैं दुष्यंत जी हमारे साथ। दुष्यंत जी, नर्सिंग स्टूडेंट्स का प्रदर्शन होना है आज, क्या कुछ मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, मांगे तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर नर्सिंग स्टूडेंट्स की बात की जाए, नर्सिंग स्टाफ्स की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं भोपाल में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सुबह 11:30 बजे पॉलिटेक्निक चौराहे पर ये तमाम सारे जो पदाधिकारी हैं नर्सिंग स्टाफ यूनियन के, और जिस तरीके से अगर बात की जाए नर्सिंग स्टूडेंट्स के, तो वो वहाँ पर पहुँचेंगे और अपनी मांगों को लेकर सीएम हाउस को घेरने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से पूरी जानकारी सामने आने के बाद सुरक्षा कारणों के चलते, और जिस तरीके से जब विधानसभा सत्र आहूत किया जा रहा, तो ऐसे में इन पूरे आसपास के इलाके में धारा 144 लागू है और सीएम हाउस के इलाके में भी धारा 144 लागू है, तो ऐसे में पुलिस और जो सुरक्षा अधिकारी हैं उनका प्रयास यही है कि वहाँ तक जो डॉक्टर्स हैं और जो नर्सिंग स्टाफ के नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, तो वो वहाँ पर ना पहुँच पाए। जिस तरीके से अगर उनकी मांगों की बात की जाए, तो वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग उनके द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ 3800 वैकेंसी जो मध्य प्रदेश में है नर्सिंग स्टाफ की, उसमें 27% ओबीसी आरक्षण की मांग जो है वो जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा की जा रही है कि वो यहां पर 27% आरक्षण जो है ओबीसी को दिया जाए। साथ ही साथ एनएचएम में निकाली गई स्टाफ नर्स की भर्तियों में वेटिंग लिस्ट तत्काल जारी की जाए। साथ ही इसके अलावा अगर बात की जाए पोस्ट बेसिक नर्सिंग व एमएससी नर्सिंग को नियुक्ति देने की बात है। मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई एग्जाम डेट अब पोस्टपोन ना करने की बात है, तो ऐसी कई मांगे हैं। इसके साथ में एक मांग ये भी है कि स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निकाली जाने वाली नर्सिंग स्टाफ की भर्तियों में मेल नर्सिंग स्टाफ का कोटा जो है वो 40% किया जाए, तो ऐसे में कई सारी उनकी मांगे हैं। और इन सब तमाम सारी मांगों को लेकर सरकार से अपनी बात जो है वो कहना चाहते हैं नर्सिंग स्टूडेंट्स, उनके सामने ये पूरी मांगे रखना चाहते हैं ताकि सरकार को ये जानकारी लग सके कि उनकी क्या मांगे हैं और किस तरीके से उनको पूरा किया जा सकता है। कुछ बीच का रास्ता भी अगर निकाला जा सकता है तो उस पर भी जो है स्टूडेंट्स चर्चा करने को तैयार हो सकते हैं। हालांकि अभी फिलहाल किसी भी प्रकार से ना तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा ना ही चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा स्टूडेंट्स से चर्चा की गई है। अब देखना ये होगा कि जब ये प्रदर्शन होता है या फिर इस प्रदर्शन के बाद किस तरीके से रणनीति जो है वो तय की जाती है, ये आज दिन भर में ही साफ हो जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि नर्सिंग स्टूडेंट्स अगर ऐसे ही प्रदर्शन पर बने रहे तो कहीं ना कहीं जो उनकी पढ़ाई है वो तो प्रभावित होगी ही, साथ ही साथ जो भविष्य है नर्सिंग का वो भी कहीं ना कहीं काफी खतरे में आ सकता है। शुक्रिया दुष्यंत जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो कई मांगों को लेकर नर्सिंग स्टूडेंट्स आज प्रदर्शन करने वाले हैं पॉलिटेक्निक चौराहे पर, एक साथ जमा होंगे और सीएम हाउस के पास ये प्रदर्शन।